हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस में। साथियों, आज अपनी बात करेंगे राजस्थान पुलिस विभाग भर्ती 2021-22 से संबंधित। तो राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान पुलिस में जल्द ही 4438 पदों पर भर्ती होने वाली है। आवेदन इसके जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अपनी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो ताज़ा तरीन सूचनाएँ वो आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 युवाओं के लिए खुशखबरी है कि 4438 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी और सितंबर से इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो राजस्थान में पुलिस की तैयारी में लगे हुए युवाओं के पास कांस्टेबल बनने का अच्छा मौका है। और दरअसल राजस्थान में 4438 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया वो अगले महीने यानी कि सितंबर 2021 से शुरू हो सकती है। वहीं राजस्थान पुलिस के द्वारा इस संबंध में जल्द ही विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। तो सरकारी बयान के अनुसार राजस्थान सरकार है वो राजस्थान पुलिस में आगामी 2 वर्षों में पुलिस कॉन्स्टेबल के 8438 पदों पर भर्ती करेगा। ये 2 साल के अंतर्गत कहा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए इन पदों पर भर्ती के लिए जो प्रशासनिक स्वीकृति है या ग्रांट है वो प्रदान कर दी है। यानी कि 2 वर्षों के अंदर टोटल 8438 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के बीच में। प्रस्ताव के अनुसार इसमें कहा गया है कि राज्य बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4438 पद जो रिक्त है और वर्ष 2022-23 के लिए कांस्टेबल के 4000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं जो पदोन्नत बोर्ड राजस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पुलिस विभाग के कांस्टेबल के 5438 पदों पर जो भर्ती है वो अभी प्रक्रियाधीन है। यानी कि लास्ट जो भर्ती हुई थी वो अभी प्रक्रियाधीन है। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हो। कांस्टेबल के 4438 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। आवेदन सितंबर से स्टार्ट हो जाए। इसमें कहा गया है यह भर्ती भी 4 से 6 पारियों में ऑफलाइन करवाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में हुई भर्ती के पैटर्न पर यह भर्ती की जाएगी। यानी कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती हुई थी, उसी पैटर्न पर यह भर्ती होने वाली है। यह परीक्षा भी ऑफलाइन ही 4 से 6 पारियों में होगी और इसका जिम्मा है वो एडीजी विनीता ठाकुर व एसपी ममता गुप्ता पर। इसके नेतृत्व में भी 5438 पदों यानी कि जो लास्ट इस ईयर भर्ती हुई है वो इनके नेतृत्व में ही संपन्न करवाई गई थी। तो ये थी राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना। और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे पूछें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय।